19 के दौरान अचानक से लॉकडाउन लगने के कारण हमारे देश में कई सारे उद्योग थे जो बिल्कुल बंद हो गए, जिसके कारण कई सारे व्यवसायों के चौपट होने की स्थिति बन गई है। तो चलिए हम जानते हैं हमारे समुदाय के द्वारा ही उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो काम धंधे बंद हो गए, हमारी खाने पीने से परेशान हो गए, खर्चे पानी से परेशान हो गए, सभी चीज से परेशान रहे। आपकी सरकार के द्वारा कोई मदद वगैरह की गई? हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की, ना हमको आगे इकट्ठा तक नहीं मिला। हमारा परिवार बाहर रहता है बंगा सागर में, पहुँच गए हमने, और मैं तो अकेले यहाँ रहता हूँ। तो आप परिवार को पैसे वगैरह भेजता है खर्चे के लिए? खर्चे के लिए इस साल तो हमने रुपया भी भेजा, काम धंधे बंद हो गया, भूखे प्यासे मरने की नौबत आ गई, कहाँ से भेजते थे। तो यहाँ पे कैसे क्या अपना जीवन यापन कर पाए, आपको कैसे मदद मिली, क्या किया आपने? हमको कोई मदद नहीं मिली, हमने तो मंदिरों का खाना खाया है, इसलिए ने कोई मदद नहीं की। हाँ उस समय वही खाया, दानी वगैरह आते थे बेचारे, खाना वाना खिला के बेचारे लोगों को, वही खा लेती थी। सरकार के द्वारा राशन बांटा जा रहा है फ्री में, राशन मिला बिल्ली वालों को मिला, हमको तो किसी ने नहीं मिला। अच्छा बुकिंगें हुई थी? बुकिंग तो हुई थी, बुकिंग सब पूरा सीजन ही नहीं बना, सब कैंसिल ही हो गया था पूरा प्रोग्राम। माहौल एक सीजन का कमा रहे थे 30-40 हज़ार रुपये। अच्छा तो इस बार फिर कितना कमा पाए? कुछ भी नहीं कमाया हमने, कोई साधना नहीं है, हमने तो 6-7 महीने परेशानी उठाई है, अभी तक परेशानी है। अच्छा अभी बाजार खुल गया है तो अभी क्या स्थिति है? आ रही है आज ही कैंप सारा चल रही थी, उसी कैंप लॉकडाउन लगा 22 मार्च को चलती थी, अब 16 आदमी का डंड हो गया है। हाँ। और 4 पिलर वाले झाड़ हो गए, एक चित्र सारा ही घोड़ी, 20 आदमी के पैसे 40-50 हज़ार रुपये मिलते थे। हाँ। अब इसके 25-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, बस ये सब कैंसिल हो गई, शादी नहीं हुई। हाँ तो फिर लॉकडाउन में शादी नहीं हुई, बुकिंग सब कैंसिल हो गई। हाँ। हम परेशान हो गए, बिल्कुल भटकते रहे, सब चीज़ से परेशान हो गई, बुकिंग का पैसा तो ग्राहक को वापस करनी पड़ेगा। तो ये आपकी दुकान किराए से है? 7 हज़ार रुपये मैंने किराए से है। तो अभी लॉकडाउन के दौरान आपकी दुकान कितने महीने तक बंद रही? 6 महीने तक। तो 6 महीने तक आप किराया कैसे दिया गया? फिरोड़ भेजा अपना लड़के की तबीयत खराब हो गई, देना पड़ा महीने भी महीने, दुकान वाला मानता नहीं है, फोटोग्राफी का काम बिल्कुल बंद हो गया। जो हमारी पहले से ही बुकिंगें थी वो सारी हमारी बुकिंगें कैंसिल हो गई, काम बिल्कुल बंद हो गया हमारा। अपना स्वयं का काम करते थे लेकिन हम अपना आउटडोर काम करते हैं, आउटडोर का मतलब कि हम स्वयं बुकिंग कर लेते हैं या किसी स्टूडियो वाले के माध्यम से वो बुकिंग कर लेते हैं तो वो हमें भेज देते हैं, इस तरीके से हमारा क्या आउटडोर काम है। और क्योंकि दुकानों पर ही बुकिंगें नहीं है तो वो लोग भी हमें काम नहीं दे पा रहे, बुकिंगें थी वो बुकिंगें कैंसिल हो गई हमारी। इस समय सड़क का टाइम नहीं है, वही समय था लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर, सड़क का मार्च में लॉकडाउन लगा था और जुलाई तक सड़क चलता है, जुलाई के बाद बिल्कुल सड़क। आप साल भर में कितना कमा पाते होगे सारक के टाइम पे? इतना तो हिसाब नहीं है लेकिन देखिए खर्चा पानी चलता था, इस समय जो स्थिति हो गई कि खर्चा पानी चलना मुश्किल हो गया। क्या इस सीजन पे कुछ कमा पाए? मार्च तक बुकिंग करी थी, 4-5 बुकिंग कर पाए थे, मार्च के बाद फिर मतलब बुकिंग नहीं कर पाए। घर का खर्चा पानी कैसा चला लॉकडाउन के दौरान? जो पहले का जो थोड़ा बहुत रखा हुआ था उसी से खर्चा पानी चला। अभी जैसे लगभग 6 महीने से आपका काम बंद है, अब जैसे बाजार खुल गया है तो क्या बुकिंगें वगैरह हो पा रही हैं? अभी सारा है नहीं, अब दिसंबर और नवंबर में ही सारा निकलेगा, उन्हीं डेटों में बुकिंग आएंगी, अगर आएंगी तो फिलहाल कोई काम नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान घर का खर्चा पानी चलाने के लिए क्या आपको खर्च वगैरह कुछ करना पड़ा? लेना पड़ा अपने घर वालों से, कुछ बाहर के लोगों से भी पैसे उधार लिए, क्योंकि रखे रखे कैमरे भी खराब हो गए, वो उनको रिपेयर कराना पड़ेगा, तो उनको रिपेयर कराना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। बच्चों की किस्तें आती थी, लड़की की हमारी 1,000 रुपये महीने की किस्त जमा करते थे, 6-7 महीने से वो किस्त भी हमारी रुकी हुई है। काम करता हूँ, उनका मानना ये था कि आपके अखबार के कारण हमारे घर में कोरोना का वायरस आ सकता है, इससे हम पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए हमको अखबार नहीं लेना है जी, कोरोना चला जाएगा उसके बाद हम अखबार लेंगे जी। तो कोरोना के डर से उन लोगों ने पेपर लेना बंद कर दिया। तो लगभग कितने पेपर बांटते थे आप जो बंद हो गए? मेरे पास 150 पेपर थे,
100 में कम से कम 50 पेपर मेरे बंद हुए, उसमें दैनिक भास्कर से पत्रकार थी। तो लगभग मतलब आपको कितने का नुकसान हुआ होगा? 10-12 हज़ार का नुकसान तो आराम से हो गया। इससे भी यही फर्क पड़ा ग्राहक के, लोगों ने पेपर देना बंद कर दिया, वो धंधे पानी खत्म हो गए थे, अखबार के सारा का उसमें अखबार भी लोगों ने बंद कर दिए, तो उसमें भी इनकम पे फर्क तो पड़ेगा ही, खाने पीने के लिए मोहताज हो गए। अच्छा, जैसे जिन एजेंट्स वगैरह से आप पेपर लेते थे, तो क्या उनके द्वारा भी आप लोगों को कोई दबाव वगैरह डाला गया? बिल्कुल दबाव डाला गया। लॉकडाउन के टाइम में लोगों से पैसा नहीं मिला, अखबार वाले ये हमको पैसा दो, हम कहाँ से पैसा दें, जब बाजार से मिलेगा तभी तो पैसा देंगे जी। कई लोग अपने घर चले गए, उन्होंने भी आवाज में आएंगे तब देंगे पैसे, ये कि हमको पैसे दो, पैसे हम पे रहेंगे, नहीं पेमेंट नहीं मिला ना, पेमेंट हमारा फंस गया बाजार में, उन्होंने कहा जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद देंगे, हमारे धंधा खत्म हो चुका है, हम कहाँ से पैसा दें। फिर किस तरीके से आपने पैसे दिए? पैसे इधर उधर से व्यवस्था करी, करने के बाद उनको पैसे दिए, उनके एजेंटों ने साफ मना कर दिए कि हम तो ऊपर से दबाव आ रहा है, हमें कैसे मतलब में कैसे भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं जी, जितने पैसे थे उसमें वो दे दिए, बाकी जब उसे बाद में व्यवस्था कर दी, उन्होंने रहम नहीं किया किसी पर। अच्छा, तो उसकी वजह से आप लोगों की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा, घर का खर्चा वगैरह कैसे चल पाया? मांग मांग के खाया, लोगों को बताया कि भैया हमारे खाने में राशि में हमें खाना पीना, अखबार वाले को पैसे लेने उससे हम लोगों के काम चलते थे, वो परेशानी पड़ी, लोग वैसे भी कोई उसमें कोरोना के चक्कर में लोगों को अखबार नहीं ले रहे, अखबार बंद कर दिए थे, ऊपर छुट्टी टाइम में उन्होंने कीमत बढ़ाई तो लगी से अखबार और बंद हो गए। मेरे द्वारा यह वीडियो इसलिए बनाई गई कि मैं प्रशासन का ध्यान इन उद्योगों के प्रति आकर्षित करना चाहती हूँ, से प्रशासन को समझ आए कि इन उद्योग के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही वह इनके लिए कोई कार्य योजना बनाए जिससे उन लोगों को राहत मिल सके। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।